सियासी हकीकतों को सामने रखते हुए हमेशा दुरुस्त बात की। नवाज शरीफ के मामले पर भी जो कहा, इमरान खान के फायदे के लिए कहा, मुल्क को सियासी इंतशार से बचाने के लिए धरने के दौरान मौलाना से राबते किए जो दुरुस्त साबित हुए। चौधरी परवेज इलाही की वजाहत, कहते हैं इंशाअल्लाह हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे, कोई गलत फहमी पैदा नहीं कर सकता। इत्तेहादियों में इख्तलाफ पैदा करने की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी और ना हो सकती है। इंशाअल्लाह हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे, कोई गलत फहमी पैदा नहीं कर सकता। सियासी हकीकतों को सामने रखते हुए हमेशा दुरुस्त बात की है और धरनों के दौरान भी टकराव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया है। नवाज शरीफ के मामले पर भी जो कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फायदे के लिए कहा, जो बाद में सही बात साबित हुई, मुल्क को सियासी इंतशार से बचाने के लिए धरने के दौरान मौलाना फजल रहमान से राबते किए थे जो दुरुस्त साबित हुए। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, खास तौर पर धरनों में अमन अमान रखने का क्रेडिट वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और वजीर दाखिला एजाज शाह साहब को जाता है, जिन्होंने तमाम लोगों को सुनने के बाद सही फैसले किए, वक्त पर फैसले किए और उसका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आया।